कि इफ़ यू आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्ज़ाम देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स यू कैन. हे गाइज, आई एम डॉक्टर नजीफ अली. तो वंस अगेन आई एम हियर टू टेल यू समथिंग कि हाउ टू स्कोर 550 इन नीट 2020 इन जस्ट 30 डेज. तो इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 50 डेज वाला था कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है. तो इसमें मेरा मेन कंसर्न है ना कि जस्ट 30 डेज है और आपको लाने 550 मार्क्स. तो कैसे, तो मेन प्रॉब्लम क्या आता है ना कि हाउ टू स्टडी, भाई कैसे पढ़ना है, ठीक है, एंड व्हाट टू स्टडी, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है. ये तो मैंने बताया है, फिर अभी भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है और व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ना है, कौन से टाइम में मेरा फिजिबिलिटी ज़्यादा होगा कि मेरा माइंड सबसे ज़्यादा चलेगा. तो क्या है ना कि हाउ टू स्टडी, तो हाउ टू स्टडी आपको कैसे पढ़ना है, तो ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा टेक्निक है इसमें कि कौन कौन से टेक्निक आपको यूज़ करना है. लेकिन इससे पहले क्या है कि जस्ट 30 डेज है ना, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बेस्ट होना चाहिए. तो ऐसा नहीं कि भाई ने बोला है कि फिजिकल हेल्थ तो पूरा डोले शोले बनाने जिम विम जाने लग गए, नहीं भाई बिल्कुल नहीं. और कि भाई मेंटल हेल्थ के लिए हंसना अच्छा होता है, तो ये नहीं भाई जोक पे जोक देखे जा रहे, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. मेंटल हेल्थ मतलब ये है कि आपको स्लीप लेना है यार, प्रॉपर स्लीप लेना है, ठीक है. 6 घंटे तक सोना है, ठीक है, प्रॉपर साउंड स्लीप चाहिए 6 घंटे तक, ठीक है. उस टाइम में आपका फ़ोन वोन कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि म्यूजिक सुनते सुनते सोते हैं, ठीक है. जैसे भी आपका स्लीप का इंडक्शन जैसे भी होता हो, लेकिन 6 घंटे तक आपको रेगुलर सोना है, ठीक है. और गुड फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि आप भाई अच्छा सा डाइट लेना है, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह लेना है, जूस वगैरह लेना है, अपना प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये तो पता है. और सबसे बड़ा बात क्या ना, एक कहावत है ना कि इफ़ यू आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्ज़ाम देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है. अगर आप इसमें बैठ सकते हैं तो भाई आप ही निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई आपके बदले नहीं निकाला, आप जैसे ही निकालते हैं. मैंने भी निकाला था नीट, तो आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, ठीक है. क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन नहीं बनता है, दो चीज़ मेन होता है. एक तो होता है कि फोकस नहीं बन रहा है, एक दूसरा होता है कि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है. हम तो मशीन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मशीन की तरह आपको कैसे कंसंट्रेशन लाया जाए, ठीक है. तो एक टेक्निक होता है, एक उस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक. तो ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक में क्या करते हैं कि एक ये जैसे आपका स्टडी आवर है, ये आपका सपोज कीजिए कि ये 3 आवर्स का आपका स्टडी आवर का प्लान है. 3 आवर का अगर आपका स्टडी प्लान है तो इसको क्या कीजिए ना, तो एटलीस्ट थ्री डिफरेंट पोमोडोरो में डिवाइड कर लीजिए. तो 3 डिफरेंट पोमोडोरो में क्या होगा आपका कि 3 आवर आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें इसको आप एक आवर करके तीनों में डिवाइड कर दिए. एक साथ लगातार 3 घंटा पढ़ने में होता है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है. हमारा माइंड ऐसा है कि वी कैन कंसंट्रेट फॉर ओनली लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो इसलिए हम क्या करेंगे ना कि उस चीज़ को यूज़ करेंगे, जो चीज़ अपने पास है हमें उसी चीज़ को यूज़ करना है. और कैसे यूज़ करना है, इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो 3 डिफरेंट पोमोडोरो में यूज़ करना. अब देखिए, इसके बीच में मैंने स्पेस दिया है यहाँ पे कि 3 आवर का जैसे आपका स्टडी आवर का प्लान है, तो इसमें मैंने ऐसे बीच में गैप दिया, जैसे एक एक आवर का स्टडी किया हमने और फिर 10-10 मिनट का ब्रेक लिया. तो इससे क्या होगा ना कि आपका एनर्जी है ना फिर से रिबिल्ड हो जाएगा, फिर से जितना आपको पढ़ना है वो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा कि हाउ टू स्टडी, ठीक है, ये हमारा टेक्निक होगा स्टडी करने का. अब ठीक है भाई, व्हाट टू स्टडी, तो व्हाट टू स्टडी, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चैप्टर्स बताया था कि फिजिक्स में आपको ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बायो में ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको 600 तक मार्क्स दिला सकता है. तो व्हाट टू स्टडी, ठीक है, तो पढ़ना क्या है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ना है हमें, दूसरे सब्जेक्ट तो हिस्ट्री तो पढ़ना है नहीं, तो 3 सब्जेक्ट है. तो अब क्या करेंगे ना कि देखिए, अपने पास होता है 24 आवर, तो 24 आवर में से अपन निकाल देंगे 12 घंटे कि जिसमें 6 घंटे सोना है और खाना है और जो भी अपना फ़ोन वोन चलाना है, सब कुछ इस 12 घंटे के अंदर में आना चाहिए. 12 घंटे का मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपका स्टडी पीरियड हो 12 घंटे का, सब कुछ मिला के पूरा दिन मिला के आपका 12 घंटा होना चाहिए. तो इसमें कैसे होगा कि 3 आवर्स करके आपका तीनों सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीन तीन आवर्स का है. फिर आप कहिएगा कि भाई 3 आवर्स तो मेरा बच गया, अब क्या करें, क्या मोबाइल चला ले, क्या पबजी खेल ले, क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. इंस्टाग्राम भी नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम का नाम मैंने नहीं लिया, इसका मतलब है ना इंस्टाग्राम चलाने लग जाओ, ठीक है. तो क्या करना है, तो 3 घंटे आपके बच गए ना, तो 3 घंटे में आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन सेट बनाना है रोज़ 30 डेज तक आपको ये बनाना, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है. और ये जो आपका है ना, ये बात आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है. इस बात को आप दिमाग में
गांठ बांध लो कि तीन तीन आवर का जो आपका जो ये रहेगा रोज़, ये क्या होगा ना, इससे आपको दो फायदे होंगे। दो फायदा, पहला मेन फ़ायदा ये है कि जो आपका एग्ज़ाम फियर है ना, एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम प्रेशर, तो वो आपका कम होगा। और एक क्या होता है ना कि हैबिट बना रहता है, हैबिट बना रहता है। देखिए हम रात में क्यों सोते हैं, क्योंकि हमें ना बचपन से आदत है कि यार रात में ही सोना है, रात में ही सोना है, रात में ही सोना है। लंच क्यों करते हैं, क्योंकि लंच उसी टाइम में अपन करते हैं 1-2 बजे, तो वही आदत है। तो अपने को क्या करना है, वो आदत लगाना है, ठीक है ना, कि अरे ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये आपका आदत बन जाएगा और ये सबसे बेस्ट चीज़ होगा। ये आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा कि यार भाई ने बोला था ये बात, तो ये बहुत सही है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है हमें, तो ये करना है आपको, ये सबसे ज़्यादा। तो मैंने बताया आपको कि कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात को मेन ध्यान में रखना है। और वो जो लास्ट वाला पॉइंट था मेरा कि 3 आवर्स तक आपको जो है एक क्वेश्चन सेट करना है, ये सबसे ज़्यादा आपका इफेक्टिव होगा। इससे आपका सेल्फ एवोल्यूशन भी होगा, एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम प्रेशर भी आपका इससे कम होगा, ठीक है। तो भाई बस जस्ट 30 डेज़ है स्टार्ट, ठीक है। बस जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ना, कहते एक बात कि एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू गेट योर गोल। तो यही करना है, जब तक आपका नीट एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है, नहीं थकना है, एकदम लगे रहना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट, ओके गाइस। एंड तो अगर भाई आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों को भी बताओ। और ये भी बताओ कि देखो अभी तो ये इट वाज जस्ट इन मोटिवेशनल सेशन, एंड नेक्स्ट में मैं आप लोग को ऑर्गेनिक के रिएक्शंस और फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।